या फिर हमें वेट करना पड़ेगा तब तक। अजीब सी दुविधा है साला, ये भी अलग ही सिस्टम है। ये तुम कर दो सारा, मैं वो कर लेती हूँ, ये हेल्प थोड़ी नहीं। हेलो, वेलकम बैक, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल मरजाना ट्रेवलर पे। मैं जा रहा हूँ तैयार वैर होके, कुछ ना कुछ काम रहते ही है। जब तक तुम थोड़ा सा एक दो महीने तुम्हारे यहाँ पे ऐसे काम चलते ही रहते हैं ना, कभी ये बना लो, इसका रजिस्ट्रेशन करवा लो, इसकी वेरिफिकेशन करवा लो, इसकी स्टेटमेंट वहां दे आओ, यहां से अप्रूव करवा लो, ये करवा लो, वो चलता रहता है। एक डेढ़ महीना तुम्हारा ऐसा हिसाब किताब चलता ही रहेगा, जिसमें तुम्हें कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा। पहले तो ऑनलाइन करो, फिर उसका वेरिफिकेशन करो। आज जो मैं करवाने जा रहा हूँ वो है यहाँ का, अगर तुम जैसे ऑनलाइन अप्लाई करते हो ना इमिग्रेशन का, कोई भी अकाउंट अप्लाई करते हो, उसको बोलते हैं यहाँ पे रियलमी अकाउंट। अब रियलमी फोन वाला मत समझ लेना, ये इनका न्यूजीलैंड का है रियलमी अकाउंट। तो उसमें क्या है, तो अगर आप उसमें करते हो ना, अकाउंट बनाया हमने, और क्योंकि मम्मी का वीजा अप्लाई कर रहे थे, मम्मी का क्या किसी का भी आगे, हमें भी आगे वीजा एक्सटेंड करने पड़ेंगे, तो उसके लिए अकाउंट जरूरी है, अकाउंट के थ्रू ही अप्लाई हो सकता है। तो अकाउंट बनाया, अकाउंट बन गया, पर उसने दो दिन बाद ही बोल दिया भी एक बार अपने आप को वेरीफाई करवाओ भी, जो चीजें तुमने लगाई हैं अपनी फोटो फोटो जो भी चीजें लगाई हैं वो सही भी रियल में भी है या बस ऐसे ही है, शायद अभी इसको रियल में अकाउंट बोलते हैं। तो बस मैं अब सारे डॉक्यूमेंट लेके उसको वेरीफाई करवाने जा रहा हूँ भी, देखो जो फोटो में बंदा है मैं भी वही हूँ, तो बस वो करवाने जा रहा हूँ। गाड़ी ले ली है पर मैं गाड़ी में नहीं जा रहा प्रॉपर, वैसे तो आज चार दिन बाद यहाँ पे बारिश का माहौल सही हुआ है, साफ हुआ है मौसम, पर फिर भी मैं गाड़ी में नहीं जा रहा। रीजन, जहाँ पे वो है वो प्रॉपर सिटी है, मतलब सिटी का सेंटर है, तो वहां पे पार्किंग का बहुत बड़ा दिक्कत है, और यहाँ पे पार्किंग मतलब गलत पार्किंग, उससे अच्छा तो आप ऊबर करके चले जाओगे, इतना महंगा पड़ जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा भी बेटर है भी मैं बस में जाऊं, अपना बस में जा रहा हूं। तो बस कुछ नहीं, वहां पे काम तो जैसे नंबर आता है 10 मिनट का काम होता है। पूनम अपना यूनिवर्सिटी गई हुई है, वो अपना यूनिवर्सिटी में करवा रही है, अपना एक्सपेरिमेंट का कर रही है यूनिवर्सिटी में। मैं है चलिए मैं ये वाले काम करवा देता हूँ, बस ठीक है जी, बाकी तो कुछ नहीं है। यहाँ पे बारिश इतनी हुई 3-4 दिन पिछले में, ये यहाँ पे एक एरिया पड़ता है, यहाँ पे नहीं मतलब वेलिंगटन नहीं, कोई दूसरी जगह है नेल्सन करके, बाढ़ आ गया यार वहाँ, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, हिली एरिया है तो वहाँ वो लैंडस्लाइडिंग वगैरह वो सब चक्कर में काफी नुकसान हो गया बारिश के। तो साला पहाड़ी एरिया में ये बड़ी दिक्कत रहती है, नुकसान ऐसे वो काफी हो जाते हैं। एनीवे बस का वेट करूंगा, आने वाली है बस वैसे तो बस उसके बाद मैं आपको बताता हूँ वहां पे प्रोसीजर क्या है। आपको शायद याद भी होगा मैं एक बार वो करवाने गया था, क्या नाम है इसका, IRD वाला, जो मैं आपको बता रहा था ना टैक्स वाला नंबर, यहाँ पे IRD नंबर होता है इंडिया में, जैसे पैन नंबर होता है, IRD करवाने गया था। तो वहीं पे जाना है, मैक्सिमम चीजें इनकी वहीं पे होती हैं, चाहे वो IRD का है अप्रूवल वो भी वहीं पे होता है, चाहे इसका रियलमी का वेरिफिकेशन है वो भी यहीं पे होता है वो AA वाला, AA मतलब ऑटोमोबाइल वाला। पहुंच गया जी मैं, और उस टाइम क्या गया एकदम से बस आ गई, मैं क्यों मिस करनी है। अच्छा मैं आपको वो बता रहा था, ये वही जगह है जहां पे मैंने अपना IRD वाला वेरीफाई नहीं करवाया था, कंफर्मेशन प्रूव करवाया था, वही जगह है। यहाँ पे यह ऑटोमोबाइल वाला सिस्टम होता है ना, जो जहाँ पे ऑटोमेशन वाला ऑटोमोबाइल AA बोलते हैं इसको, ऑटोमोटिव एजेंसी समथिंग लाइक, तो मैक्सिमम चीजें यहीं से अप्रूव होती हैं इनकी, चाहे वो IRD का था चाहे वो इसका भी रियलमी वाला है, सारा यहीं से अप्रूव होगा। तो पहुंच गया हूँ, देखते हैं वो क्या करते हैं, अप्रूव करते हैं नहीं करते या क्या नाटक करते हैं, तो जो भी डिटेल मिलती है आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इतना कंजेस्टेड है, इतना हाईफाई सा एरिया है ना, ये भीड़ ही रहती है। चलो मिलता है आपको बाद में।
ये ऑफिस है इनका डबल ए वालों का जहाँ मैं आया था। ये मैं सीधे से जा रहा हूँ, काम हो गया। वही गिन चुन के जैसा पहले होता है, 5 मिनट लगे हैं गिन के सारे, तो 5 मिनट में मेरा सारा काम डन हो गया। अब वापिस जा रहा हूँ। उसने क्या किया अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए, एक तो मेरे पासपोर्ट की फोटो खींच के डाल दी, वो तो चलो सामने मतलब रियल उन्होंने अपने से फोटो खींची। दूसरी चीज उन्होंने क्या की, साइड पे लेके मुझे मेरी फोटो खींचने के लिए कोई बस, हाँ वो तुम्हारी जो फोटो खींचेंगे वही अपनी तरफ से मानेंगे, तुमसे कोई फोटो नहीं लेंगे, बस हो गया वेरिफिकेशन। अब इसको लगेंगे कितने दिन, आई थिंक इन्होंने मुझे बोला है 10 से 15 दिन, अराउंड 10 से 15 दिन वर्किंग, कितने दिन में वेरीफाई होगा। अब वेरिफिकेशन होगा तब जाके इसमें कोई कुछ हम कर सकते हैं, कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, ये वाला सीन हो गया। अब देखता हूँ या तो किसी और के अकाउंट से मम्मी का लगाएंगे वीजा वगैरह ना, जो भी अप्लाई करना है, या फिर हमें वेट करना पड़ेगा तब तक। अजीब सी दुविधा है साला, ये भी अलग ही सिस्टम है। या फिर एजेंट को बोलेंगे, पर एजेंट साला महंगा बहुत है यहाँ पे, बिना फालतू का नॉर्मल, वो भी हमसे, अब मेन बात क्या है ना, डॉक्यूमेंट वो भी हमसे ही लेगा, ये दे दो वो दे दो, पता नहीं भगवान जाने। चलो देखते हैं जो भी बनता है, आपको बताता हूँ। अभी यूनिवर्सिटी जाऊंगा पूनम के पास, तो फिर आपसे मिलता हूँ। पहुंच गए पूनम की यूनिवर्सिटी, मैसी यूनिवर्सिटी पहुंच गया। अच्छा मैं आपको जो बता रहा था इसके वेरिफिकेशन का क्या रीजन है, क्योंकि कई जगह पे ये वाला अकाउंट ना आपका आईडी प्रूफ की तरह काम करता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप डुप्लीकेट अकाउंट बना लो, अगर वेरिफिकेशन हो रखी है तो आपका ये वाला अकाउंट एक आपका आईडी प्रूफ की तरह काम करेगा। सो डेट्स वाई इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, 10-15 दिन वर्किंग ले रहे हैं। और सेकंड थिंग, और ये अभी इसका एक्सपेरिमेंट का देखना है, आपको सेटअप भी दिखाता हूँ उसका, एक्सपेरिमेंट का जो बनाया फाइनल उस दिन लेबर करके, वो तो एक्सपेरिमेंट का भी दिखाता हूँ। बाकी पूनम की यूनिवर्सिटी चल के थोड़ी कॉफी कॉफी पीते हैं, अच्छी बनाती है पूनम स्पेशली, यूनिवर्सिटी के अंदर तो अच्छी कॉफी बनाती है। बाकी उसको थोड़ी एक्चुअली प्रॉब्लम है सेटअप के रिलेटेड, कुछ फैन वगैरह जो एग्जॉस्ट फैन वगैरह उसको एडजस्ट करने में दिक्कत आ रही है, तो उसकी हेल्प करूंगा अभी जाके। और इसलिए 10-15 दिन मेल आ गया मुझे, 10-15 दिन लगेंगे उसको वेरीफाई होने में। ये देखो अब आएगी यहाँ पे, क्योंकि बिना बिना उसके कार्ड के खुलेगा नहीं। ये देखो अभी तक तो ये नहीं पता भी अंदर को खुलता है या बाहर का खुलता है। ये देखो ये है पूनम का ताम, ये नहीं है, ये वाला है पूनम का सारा सिस्टम, सारा कचरा भरा हुआ है एक्सपेरिमेंट का। बताओ क्या बना रखा, देखो वहां बाकी दूसरे टेक्सटों पर बाकी लोग बैठते हैं, इसने ज्यादा खिला रहा है इसलिए कर रखा है ताकि क्या हो जाए, लगे कि मैं काम कर रही हूं, लगे काम कर रही है। चलो हाथ चले रख दे सबको यो। और ये इनकी स्पेशल किचन बना रखी है लाइक आधे मेंटोस से, देख लो कितनी मेंटोस लेके जा रही है ये, शर्म नहीं आती, इसने लूटने का तरीका ढूंढ रखा है। ये देखो यहाँ पर ये भी है क्या, ये सेंसर है, क्या है सेंसर है, हाँ CO2 मेजर करता है, मुझे पता नहीं चलता कैसे है बट CO2 मेजर करता है। रहने दे तेरे बस का नहीं है, अरे नहीं रुको, अरे रहने दे। ऑफ है, पता नहीं CO2 मीटर है, मैंने बोला था तू रहने दे, ले मेरी तरफ से गिफ्ट अपने पास ही रखो। चलो वाह अंदर जाते ही लाइट जल गई, लो हम लोग निकल रहे हैं है? मैं फोन उनको ले नहीं आया था, मैं कहा चल यार आप जाते रहते आपको हमारा कलेक्टर दिखाते हैं। हाँ इनको मैं पहले बता चुका था, मैं कलेक्टर दिखा दें आपको, ये यूनिवर्सिटी इनकी सारी, यहाँ से गेट अपने आप खुलेंगे, यो शकला का बूम बूम। अंधेरा हो गया बहुत ज्यादा। ये है पूनम का पूरा सिस्टम, ये रहा ये सोलर पैनल है, यहाँ पे सारे ऑपरेटर्स लगे हैं रीडिंग रूडिंग लेने वाले। सोलर पैनल नहीं है, सोलर कलेक्टर। अरे हाँ सोलर सिस्टम ही बोलेंगे हम तो, चाहे पैनल हो चाहे कलेक्टर हो, कलेक्ट करने वाला सोलर रेडिएशन को।
और ये नीचे ये लगा रखा है एग्जॉस्ट वाला, ये आउटलेट है। यहाँ से सारा हम फैन से खींचेंगे, सारी रेडिएशन सारा कुछ मेजर करेंगे, सारी बारिश बुरिश से वो भी हो रखा है। नीला बाहर ही पड़ा है बेचारा लावारिस की तरह, अब देखो इसकी किस्मत में कब है चलना। बस चलना तब है जब आप मेरी हेल्प करोगे। हम लोग पहुंच गए जा रहे हैं, घर जा रहे हैं अभी। और देख लिया आप लोगों ने पूनम का एक्सपेरिमेंटल, नीचे उतरते हुए ध्यान दो, ध्यान देने की जरूरत तुम्हें है, ध्यान दो। मैं तो इतना यहाँ पे फैमिलियर हो चुका हूँ, आंखें बंद करके भी जा सकता हूँ। इधर से आ जाओ, चढ़ने वालों की जगह है, और कह रहे हो मुझे रास्ते पता है। रात तो रास्ता तो पता ही है, चढ़ना उतरना यहाँ हर चीज का अलग अलग सिस्टम है, बस वही है फर्क, और कोई फर्क नहीं अपने से। मित्रा जी हाँ, ज्यादा बातें बस। चलो ठीक है जी, आपको बस यही दिखाना था, निकला था मैं किसी और काम के लिए, आ कहीं और से रहा हूँ। देखो काम खैर एक हो गया, दूसरा है आप पति हो मेरे, वाह सबको बताने के लिए धन्यवाद, बहुत बड़ी बात बताई है तुमने। आपका फर्ज है बीवी की पीएचडी में हेल्प करना, और हेल्प करना फल लेना। हेल्प करना पता क्या होता है, मतलब बंदा अगर कोई काम कर रहा है तो जाके उसकी हेल्प कर दो, भी चल यार ये थोड़ा सा तेरा मैं कर देता हूँ, वो होता है हेल्प, थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल। और ये तुम कर दो सारा, मैं वो कर लेती हूँ, ये हेल्प थोड़ी नहीं। हाँ तो मैं करता रही हूँ ना, मैं वो काम कर ही रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, ये कैसी हेल्प है, पीएचडी मैं थोड़ी कर रहा हूँ, पीएचडी का फल कौन किसको मिलेगा, सबको ही मिलेगा, ये थोड़ी ये क्या मतलब हुआ साला। तो मम्मी को भी बोल देते हैं किताब, मम्मी तो भी पढ़ ले किताब। चलो ठीक है जी, हम लोग उसका तो चलता रहेगा, अभी जाके खाना वाना खाएंगे और फिर देखते हैं रात को इसका थोड़ा एक्सपेरिमेंट, क्या नाम है उसका, इलेक्ट्रिकल सर्किट थोड़ा सा समझते, आधा तो समझ में आ गया, आधा और फिर समझेंगे और इसको बताऊंगा। बाकी डॉक्यूमेंट आ गए, कुछ नए चल खोल के देख ले, फिर अगर देखना तो। बाकी हमारा पार्सल आने वाला है घर से, हम तो उसको वेट कर रहे हैं, वो तो नहीं आ गया, खैर इसमें तो अंदर तो नहीं आएगा, इसके क्या नीचे पड़ा होगा, निकालो जा, 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 के लिए। ये देखो ये यहाँ पे कंपेनिंग ऐसी होती है, ये ऐसे ब्राउजर सा डाल दिया है लॉकर में, मतलब जो उसमें से डाल के चले गए, जो लोकल है बोर्ड वाला, बोर्ड फॉर एन इंडिपेंडेंट वॉइस ऑन काउंसिल, ऐसे हो गया, कोई रैली नहीं कुछ नहीं, मस्त है ऐसा होता। चलो आ जाओ पुनो, आज का हो गया हिसाब का जो भी था, आ जा जल्दी जल्दी, नहीं लिफ्ट बंद हो जाएगी, कमॉन कमॉन लिफ्ट बंद हो जाएगी, कमॉन 1 2 3 ये बोल, कर लेते क्या कर लेते, सीढ़ियाँ चढ़ लेते, एक सीढ़ी चढ़नी एक फ्लोर, मैं तो चढ़ जाती, मुझे तुम चढ़ जाती। कल हमने अपना वेट मेजर किया, कहाँ किया तेरे याद नहीं, कल कहाँ किया, एक साइड तू थी एक साइड हाथी था, क्योंकि बराबर का वेट हमें वो मिल नहीं रहे थे ना जो वजन करते हैं हम। चल खोल पूनम यार बहुत लेट कर रही है, चल चल जल्दी खोल जल्दी, इतना टाइम कौन लगाता है, चाबी निकाल ले, चाबी चाबी निकालो। चलो ठीक है जी, देख लिया कैसा सोल्यूशन होता है मेरा सोल्यूशन। चलो ठीक है जी, अब हम लोग रखते हैं फोन, आपसे फोन वा रखो हम आपसे करते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बात। मैं देखो मैंने पूरे दिन कितना काम किया, मैं गई थी ऐसे 12 बजे और मैं आई कितने 6:30 बजे, इतना काम किया और इसे पूछो भी आउटपुट क्या कोई क्या निकाला कुछ, आउटपुट मैटर नहीं करता, काम करना काम करो। मैं अभी देखना इसको मैं बोलूंगा अभी आधा घंटा दीवार में सर मारू, बोले काम तो कर रही हूँ मैं, कुछ हो नहीं रहा वो अलग बात है। चलो ठीक है जी, अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, हमारे ब्लॉग को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अपनी फैमिली के साथ सबके साथ शेयर कीजिए, अपना प्यार बनाए रखें, खुश रहें, तब तक के लिए रब रखा रब रखा रब रखा।